विश्वविद्यालय में बालक और बालिकाएं यहाँ इस योग परंपरा, वेद परंपरा, ऋषि परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं। योग में बीए, एमए, पीएचडी आदि करना, बीएनवाईएस करना, बीएमएस करना, व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य होना, यह तो एक हमारी सनातन शिक्षा पद्धति है। इससे होगा क्या? इन सब से हम पूर्ण निभ्रांत होकर के अपने विवेक को पूर्ण रूप से जागृत करके अपनी संपूर्ण संवेदनाओं को, संपूर्ण सामर्थ्य को पूरी तरह से अभिव्यक्त करके ऐसा कार्य करना है कि सारा जगत, सारी दुनिया योग का अनुसरण करे, योग के अनुरूप जीवन को जिए, ये करके दिखाना है। और ये होगा। और मुझे देख करके भी ये समझ में ना आए फिर तो भाई गलत बात है। तो योग की रीच कहाँ तक है? तो पूरी दुनिया के थोड़े दिनों में 1,000 करोड़ लोग हो जाएंगे। अभी 100 करोड़ से 150 करोड़ के करीब तो हम ही पहुंच गए, इतना अपने बगल में चाइना है। पूरी दुनिया के 1,000 करोड़ के लगभग भाई बहन इसकी रीच में, वो इसका मार्केट साइज है। इससे उपलब्ध क्या होगा? सारी दुनिया को मिलेगा स्वास्थ्य, और जो योग के ध्वजवाहक होंगे उनको मिलेगा स्वास्थ्य के साथ सुख समृद्धि, उनको शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, उनको एक आत्म संतोष मिलेगा कि वो सारी दुनिया को स्वास्थ्य दे पाए, सुख दे पाए, समृद्धि दे पाए, शांति दे पाए, सफलता दे पाए। छोटे उद्देश्य के लिए तो दुनिया जीती है। जो योग करेंगे वो पूरी दुनिया को रूपांतरित कर पाएंगे, ये सामर्थ्य है योग का। दिस इज द पावर ऑफ योग। योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा में आपको पूरा दीक्षित कर रहे हैं यहां पर। विशेष रूप से योग के साथ आयुर्वेद में, पंचकर्मा षटकर्मा में, पंचमहाभूत चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में, यद्यपि एक एक विषय में डॉक्टरेट की जा सकती है, पंचकर्मा मात्र में डॉक्टरेट की जा सकती है, मात्र बस्ती में डॉक्टरेट की जा सकती है, मात्र अभ्यंगा में डॉक्टरेट की जा सकती है, मात्र रक्त मोक्षण में, एक एक विषय में बहुत गहरी विद्या है, उसमें डॉक्टरेट की जा सकती है। ऐसा ये योग विद्या का पूरा उपक्रम है। योग विद्या का इतना विराट अनुष्ठान है। अब नेचुरोपैथी में ही डॉक्टर बनने के लिए लगभग 6 साल का वक्त लग जाता है, फिर उसके बाद में उसमें एडवांस स्टडीज होती हैं। यहाँ आपको योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, नेचुरोपैथी और उसके साथ सनातन धर्म के सारे मूल सूत्र, उसके मूल सिद्धांत वो सिखाते, उनसे अवगत कराते, उनमें आपको दीक्षित करते हैं। प्रधान रूप से किसी को बीएमएस कराते हैं, किसी को बीएनवाईएस कराते हैं, किसी को योग में बीएमए आदि, पीएचडी आदि करवाते हैं, व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य कराते हैं। मैंने भी प्रारंभ में व्याकरणाचार्य ही किया था, लेकिन व्याकरण से बात प्रारंभ होती है और आचरण में बात पूरी होती है। व्याकरण यदि आचरण में ना आए तो फिर मात्र शब्द ज्ञान हमारे लिए पूरा नहीं होता है। तो मैं अपने सभी बालकों से कहूँगा, लोग कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, बीएमएस बनेंगे, तो उसका फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस डिग्री? आपने डिग्री पाली, एमबीबीएस, एमडी बन गए, उसका फ्यूचर क्या है? आपने आईआईटी, आईएम कर लिया, उसका फ्यूचर क्या है? 25% ये हायर स्टडीज़ बोलते हैं इनको। बहुत कहते हैं ये कोई आईआईटी कर ले, कोई आईएम कर ले, कोई आईएएस, कोई आईपीएस बन जाए, कोई ये कर ले, वो कर ले, कोई पूरी दुनिया में अब तो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स करोड़ों करोड़ों रुपए में करवाए जा रहे हैं। 5 से 10 करोड़ रुपए फीस लग जाती है उनको स्टडी करने के बाद।
पाँच दस करोड़ रुपये तो वैसे गए, और फिर आके बिजनेस किया तो 100-200 करोड़ का घाटा वैसे हो गया, सुसाइड करके मर गया। 10-20 करोड़ स्टडी में लग गए, फिर जैसे पढ़ के आए थे वैसा व्यापार करने लगा, एक्सपेरिमेंट करने लगा, उसमें घाटा कर दिया 100-200-500 हज़ार करोड़ रुपये का, सुसाइड करके मर गया। योग करने वाले स्वास्थ्य तो देंगे ही। स्वामी रामदेव ने, पतंजलि ने आज हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का सात्विक साम्राज्य खड़ा किया है सेवा के लिए। ये है योग का तत्व। कुछ बात समझ में आई? सब करो, कपालभाति करो। अभी भी मैं अमेरिका गया, ब्रिटेन गया, सबसे ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स 1-2-5-10 लाख करोड़ पैसे लेकर के 100 लाख करोड़, 200-250-300 लाख करोड़ रुपए के 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर्स के फंड लेकर के बैठे हुए इन्वेस्टर्स, और बोलते हैं हमें सबसे ज़्यादा रुचि पतंजलि में है, क्योंकि पतंजलि देश नहीं दुनिया का फ्यूचर हमें नज़र आता है। ये ओपिनियन है वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस का, टॉप इन्वेस्टर्स का। क्यों? उनको विश्वास है स्वामी रामदेव जो कह रहा है वो करेगा। और हमसे भी लोगों ने पूछा व्हाट इज योर विजन, तो आई सेड व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग आई विल डिलीवर इट, दिस इज माय ट्रैक रिकॉर्ड, दिस इज आई एम डूइंग एंड दिस आई विल डू। ये सब होगा। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं कि इस आदमी ने 50 साल तक क्या किया, तो सारी दुनिया जानती है स्वामी रामदेव ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये ट्रस्ट है, और ये आपको बिल्ड करना है। ये बच्चों के लिए भी कह रहा हूं। बोलिया हु इज द सक्सेसर ऑफ पतंजलि? मैंने कहा पतंजलि के सक्सेसर यदि व्यक्ति की दृष्टि से कहो तो हम दो, पूज्य आचार्य बाक्षण जी, माई सेल्फ स्वामी रामदेव जी, और हमारे 200 से ज़्यादा तो ये सक्सेसर हैं। पूज्य सन्यासी भाई बहन बैठे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। मैंने कहा हम दो और हमारे 200, और मैंने कहा बात यहीं तक नहीं है, हम दो और हमारे सब, सब लोग पतंजलि को मिलकर के सक्सेस बनाने में लगे। मैंने बोले ये क्यों? मैंने कहा ये इसलिए पतंजलि का कि जो ओनरशिप है ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है। द ओनर ऑफ पतंजलि इज ट्रस्ट एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर ट्रस्ट इज बेटरनेस ऑफ सोसाइटी। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, और जो कुछ हम पा रहे हैं वापस समाज को और दुनिया को लौटा रहे हैं। ये है, दिस इज द यूएसपी ऑफ पतंजलि, दिस इज यूनिकनेस ऑफ पतंजलि, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ पतंजलि, दिस इज द विजन ऑफ पतंजलि। तो बेटा ये तो हमने किसी ब्रांड के बारे में नहीं सुना कि जो कमाया सब वापस समाज को लौटा दिया। मैंने कहा हाँ, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, करेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, ये हमारा गोल है। हम दुनिया को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, दुनिया को स्वस्थ समृद्ध बनाना चाहते हैं, सबके जीवन में होप जगाना चाहते हैं। ऑल बिकेम हेल्दी, सब हेल्दी बने, वेल्दी बने, प्रॉस्परस बने, पीस पाए, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड पीस इज अवर गोल। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में पतंजलि पूरी दुनिया में सफलता का नया इतिहास, कीर्तिमान, प्रतिमान घड़ने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज पावर ऑफ अ योगी। एक योगी क्या कर सकता है? योगी कर्मयोगी होता है, योगी संसार के लिए उपयोगी होता है, रोगी तो खुद ही दुखी होता है।
इसलिए योगी बनो, कर्मयोगी बनो, संसार के लिए उपयोगी बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो। ऐसे ही संकल्प के साथ हमारी श्रद्धामयी बहनें बेटियाँ आई हैं, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन। और ऐसे ही ये सिलसिला लगातार चलेगा। देखो यहाँ पर हमने अपने पूज्य सन्यासियों को, पूज्य सन्यासिनी बहनों को, पूज्य साध्वी देवार्चना जी उनके साथ, देव भूमा जी और बहुत सारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों को लगा रखा, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, समर्थ देव जी, आरोग्य देव जी, ऐसे सबको बहुत भक्तिपूर्वक इस अनुष्ठान में लगाया हुआ है। लक्ष्य एक ही है, सबको आगे बढ़ाना। ये योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम का उपक्रम मात्र नहीं है, शरीर को तोड़ना मरोड़ना मात्र व्यायाम नहीं है, हम शरीर को भी साधते हैं, इंद्रियों को, मन को, जीवन को साधते हैं। और अथ योगानुशासनम से, अपने शरीर इंद्रियों और मन के अनुशासन से प्रारंभ करके, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज स्वरूपा महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरत हो ये दृढ़ सुनो सखा मति दीर्घ आत्मानम शरीरम विद्धि शरीरम रथमेव। ये जीवन को ठीक ठीक समझो और फिर योग का पूरा आचरण करो। जब योग धर्म पूरा उतर जाएगा हमारे जीवन में, तो धर्म से अर्थ की और अर्थ से सब संकल्पों की पूर्ति होगी और अंततः जीवन में मोक्ष मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होगी। योग धर्म से, योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म की उपलब्धि होगी और जो योग धर्म के अनुसार जीवन को जिएंगे उनके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। धर्म से अर्थ की सिद्धि होती है और धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से सब संकल्पों की पूर्ति होती है। इसको कहते हैं धर्म अर्थ काम। और उससे फिर सारे संसार से डिटैच होकर के, सारे संसार के क्षणिक सुखों से, क्षणिक कामनाओं से मुक्त होकर के, शाश्वत सुख शांति समृद्धि आनंद से दैवी संपद से युक्त होकर के, मुक्त होकर के हम जीते हैं और दुनिया से जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीवन एकदम साफ साफ दिखेगा। जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन के क्रम में इसका अस्तित्व एक धूल के कण के बराबर है। जीवन अनादि है और जीवन अनंत है। This process is endless. यह अनादि और अनंत है, इस जीवन को अच्छे से जी लो, योग करो और कराओ, मैंने बार बार कहा है और इसी संकल्प को अब आगे बढ़ा रहे हैं, इस संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। योग करो, योग कराओ, तो मेरे साथ सभी बोलेंगे योग करना बोलो और कराना, यही हमारा परम धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म है, राष्ट्र धर्म है, युग धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है। योग किया और कराया, इसमें वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म सब आ गया। मैं अकेला योग करता तो खुद योगी हो जाता। मैंने खुद भी किया लेकिन सबको कराया। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का आज पूरी दुनिया में गौरव बढ़ रहा है। और योग के साथ साथ हमने सब लोगों को रोग मुक्त किया है, रोगों की गुलामी से, भोगों की गुलामी से, संसार के सारे वो दुख और वो बंधन काटे हैं हमने। सब लोग नारा लगाते हैं
कल भी मैं कह रहा था, वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। हम नारे लगा रहे हैं वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस, अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे, अपने शरीर के साथ, अपनी इंद्रियों मन आत्मा के साथ। ये अपने साथ भी न्याय कर पाओगे और पूर्ण स्वाधीनता से जी पाओगे। बात गहरे दर्शन है, ये अलग अलग समय मैंने कहे हैं। तो यह आंदोलन है रोगों से आजादी का, यह आंदोलन है नशे से आजादी का, यह आंदोलन है सब वासनाओं से आजादी का, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुक्ता, नास्तिकता, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोषों से आजादी का यह आंदोलन है योग का, सब प्रकार की पराधीनताओं से आजादी का, पाप अधर्म से आजादी का, और आर्थिक आजादी, वैचारिक, सांस्कृतिक आजादी, आजादी शिक्षा की, आजादी चिकित्सा की। ये पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये क्या है? ये शिक्षा की आजादी का आंदोलन है। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया था, उसके पाप धोने का काम भी पतंजलि योगपीठ भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। शिक्षा संस्कार मूलक हो, समृद्धि मूलक हो, सफलता मूलक हो, विजय मूलक हो, पढ़े लिखे बेरोजगारों की फूस दर। 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद ज्यादातर बच्चे नशेड़ी हो गए, बेरोजगार हो गए, हाथों में काम नहीं है और ऐसे ही पगलाए हुए घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। एक काम आप कीजिए, बाकी इस युग परिवर्तन का काम पतंजलि से हम करेंगे, यह हमारा आश्वासन है आप सबको। हम सबको मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाना है, योग करना है और कराना है। ये योग मात्र व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान मात्र भर नहीं है, योग तो पूरे जीवन का ऊर्ध्वारोहण है, जीवन का उत्थान है, उत्कर्ष है। और जिसने योग कर लिया वह योग से देवत्व, ऋषित्व को, विराटता को प्राप्त होगा, उस मानव में महामानव, पुरुष में महापुरुष, नर में नारायण प्रकट हो जाते हैं योग से। तो इतनी बड़ी महिमा है इस योग की। मेरा काम ही है उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ सत्कवयो वदन्ति। मेरा काम ही है जागरण का। यो जागार तमरे चक्काम यंति, यो जागार तम सामान यंति, जागो रे जिन जागना ब जागन की बार, फिर क्या जाग नानका जब सोए पाव पसार। जागने का वक्त आ गया, मैंने तो जागरण के गीत गाए हैं, फिर मत कहना कुछ कर न सके, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, यदि भव सागर तुम तर न सके। करो बैठे बैठे कवाल बात, करो अनुलोम विलोम करो, ऐसे ही जागना है और सबको जगाना है, योगी बनाना है। तो पूरा करवाया है मैंने आपको, और खुद करता हूं, खुद पसीने से लथपथ रहता हूं, और जो नहीं करता उनसे भी कहता हूं जरा मेरी तरफ तो देख ले, मुझे ना बीपी है, ना शुगर है, ना मोटापा है, ना स्ट्रेस है, ना कोई बीवी बच्चे हैं, ना कोई दुनिया का तमाम तरह का अलग अलग प्रकार के लोगों को कहते हमारे ऊपर, तो क्या करें स्वामी जी, ये मुसीबत आ गई, वो मुसीबत आ गई, कैसे टलेगी। कोई मुसीबत नहीं है, खुशी से, प्रसन्नता से मैं योग करता हूँ और कराता हूँ। आप भी संकल्प ले लो, कम से कम एक घंटा रोज सुबह स्वामी रामदेव के साथ आपको जुड़ना है। 4 बजे से शुरू हो जाता है, 4 बजे से रिकॉर्डेड आता है, आप पहले सुबह 4 बजे वाला सुन के जाना, उससे आपका सत्संग स्वाध्याय भी हो जाएगा और फिर निकल जाना घर से, आपका घर भी पुण्यों से भर जाएगा, जीवन ही पुण्यों से भर जाएगा। आज गुरु वचनामृत के नाम से हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी महाराज जी ने बहुत पुरुषार्थ पूर्वक अच्छा संकलन किया प्रथम, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य साध्वी जी भी आगे आ जाएंगे, पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी भी इधर आ जाएंगे, जो संगठन की सेवा में लगी हैं हमारी श्रद्धामयी बहनें, इधर आओ। देव विजया तो है नहीं शायद, हाँ हैं, तो वो भी आगे आ जाएंगे।
हाँ लाओ जी, इधर लाओ। और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के लिए भी भाई अभिनंदन है। हाँ ओ विदेह देव जी के लिए, हाँ हमें तो सबको, हमको तो परमार्थ देव, आर्ष देव, विदेह देव एक ही दिखते हैं। तो इन्होंने, लोग आजकल किसी पुस्तक आदि का विमोचन भी करते हैं ना, तो वो इतना पोल्यूशन करते हैं, पोलोथिन लगाते हैं। इन्होंने, इनको शायद दीदी ने मार्गदर्शन दे दिया कि बेटा पोल्यूशन नहीं फैलाना, तो ये मोर पंख लगा के और कलावा लगा के लाए हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है। हाँ। और ये जो है बहुत सुंदर सी पैकिंग करके लाए हैं, और ये वस्त्र भी बाद में काम आ जाएगा। हाँ इसको रखो बेटा। लो जी, हाँ आगे आ जाओ जी, थोड़ा इधर हो। दोनों हाथ लगा दो, तुम पकड़ो जी। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन है ये, तो आप भोर में रोज गुरु वचन शास्त्र वचनों का श्रवण करते हो, उनका आश्रय बना रहेगा, और ये सबसे पहली गिफ्ट हमारी श्रद्धामयी बहनों को मिलने वाली है। इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है एक बार फिर से पूज्य स्वामी विदेह देव जी के। चलो खुश हो।